और इस बीच एक बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है, जहां प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी बीकानेर में है, बीकानेर के नोखा में, जहां आज दो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। डूडी हाउस में कांग्रेस की सदस्यता ली गई है। जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी उनके यहां साथ रहे। तस्वीरें भी वहां से सामने आ गई है, जब सदस्यता लेने के बाद फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई, उसके बाद तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी डूडी के यहाँ पर साथ रहे और डूडी हाउस में ही कांग्रेस की सदस्यता ली गई है। जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, और जरा देखिएगा नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बधाई, और कांग्रेस परिवार के अंदर मिलने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो इन दो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें डूडी समझाइश करते हुए, फीडबैक लेते हुए, तमाम निर्देश और पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए। बीकानेर के नोका से आज एक खास तस्वीर निकल कर आई है, जहां दो भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। जिंदाबाद के नारे यहाँ पर जरूर लगेंगे, क्योंकि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए, यानी नई पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। ऐसे में अब वो उत्साहित, खुशी और चुनाव से पहले सक्रियता दिखाई जाएगी, और इसे लेकर डूडी निर्देश देते हुए भी नजर आए। प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी सत्ताधारी पार्टी से अगर कोई कार्यकर्ता विपक्ष में आता है, वो भी ठीक चुनाव से पहले, तो ऐसे में उनका उत्साह और ज्यादा दुगना हो जाता है, हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं मुश्किलें सत्ताधारी पार्टी के लिए, वो भी ठीक चुनाव से पहले, जब उनके कार्यकर्ता एक एक करके ये तमाम दिग्गज मानवेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल बीकानेर के नोखा से तस्वीर निकल कर आई है, जहां डूडी हाउस में कांग्रेस की सदस्यता इन दो भाजपा कार्यकर्ताओं ने ली। वहीं जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत भी इस दौरान उनके साथ रहे और डूडी हाउस में कांग्रेस जिंदाबाद, डूडी जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि देखा जाए तो मुश्किलें बीजेपी के लिए और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ठीक चुनावों से पहले यहाँ जहाँ प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम हो जाता है कि चुनावों से पहले वो सक्रियता दिखाएं और अपने पार्टी का दामन ना छोड़ें, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि उनके लिए कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और दिग्गज भी यहाँ पर दोनों पार्टियों के कहते हैं कि हम तो एक आम कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। और ऐसे में एक पार्टी जो कि सत्ताधारी है, उनके कार्यकर्ता विपक्ष में शामिल हो जाए और वो भी चुनाव से पहले, तो ऐसे में ये हैरान परेशान करने वाली खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए। अब इसे किस तरीके से संभाला जाएगा कि किसी और कार्यकर्ता का ध्यान विपक्ष की तरफ या दूसरी पार्टी की तरफ ना जाए, अब इसे लेकर होमवर्क भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। अपने कार्यकर्ताओं को मन टटोलने की उन्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि क्यों मोह भंग हो रहा है पार्टी से, ये जानना जरूरी कार्यकर्ताओं से पार्टी को करना ही होगा। ऐसे में यहाँ पर खुशी कांग्रेस में देखी जा रही है, उत्साह कांग्रेस में देखा जा रहा है, और हौसला यहाँ पर कांग्रेस में देखा जा रहा है, और उसकी एक बानगी पर की तस्वीर बीकानेर से देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस में तो खुशी का माहौल, दीपावली के ठीक एक दिन के बाद उन्हें गिफ्ट मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल। अब दूसरे कार्यकर्ताओं का मोह भंग ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, और आज की तस्वीर क्या कहती है लक्ष्मण? लेकिन निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस खेमे में हल्की सी खुशी है, फुलझड़ी चली है। मानिए रामेश्वर डूडी की मौजूदगी में दो भाजपा कार्यकर्ता नोखा में आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर उत्साह। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी जो लोग, प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका पैतृक निवास है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं। हम बात भी करते हैं इनसे, क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार चुनाव में कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं कांग्रेस की? निश्चित तौर पर उम्मीदें बढ़ी है, इस बार जनता का मूड है कांग्रेस को राज में लाने का, और निश्चित तौर पर लाएंगे, और हमें ये आशा है कि पूर्ण बहुमत से ये सरकार आएगी और किसानों का और युवाओं का इसमें भविष्य सुधरेगा आगे। तय तो जनता को करना है कि कितना साथ मिल पाता है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे राजस्थान में, और विशेष कर रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में किसान एकत्रित हो रहे हैं। और लहर भले ही चल रही हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कई बार जो तकरार की खबरें आती है। किशनलाल मेघवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सब तकरार की बातें भी बहुत चल रही है, खास तौर पर जो आला कमान है वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी में टिकटों को लेकर जिस तरह की टिकटिक है। हमारी पार्टी में कोई तकरार नहीं है, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी सब जुड़ा हुआ है, और
जनता का हमारे साथ में पूरा भरपूर सहयोग है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से राजस्थान में जीतेगी। देखिए अब चूंकि कांग्रेस ही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि माहौल बहुत सकारात्मक है, लेकिन ये सच है कि बहुत सारी चीजें चली हैं। भाजपा ने एक तरह से प्रहार भी किया है कि टिकटें बेची जा रही हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस खेमे में आज कम से कम उत्साह इस बात को लेकर है कि नोखा में जो एक बहुत टाइट फाइट सीट मानी जा रही है रामेश्वर डूडी के लिए भी, वहां भाजपा के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सियासी चर्चाओं का दौर आगे भी जारी रहेगा क्योंकि तमाम अहम खबरें आगे भी है, खास दिखाएंगे।